मेरे पास इन दिनों में कई सिख संस्थाएं, ग्रुप्स और बहुत सारे अन्य संस्थाएं आईं और उन्होंने मांग की कि 11 और 12 को ऑड इवन की वजह से उन लोगों को काफ़ी तकलीफ होगी। लाखों लोग अलग अलग कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 11 और 12 तारीख को ऑड इवन लागू नहीं होगा, ताकि उन जो लोग इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है करतारपुर साहब के दर्शन करने के लिए, तो जो हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है उस योजना के तहत करतारपुर साहिब को भी आज कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें शामिल किया गया है। तो जो हमारा अमृतसर वागा रूट था उसी को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो बुजुर्गों को जो यात्रा कराते हैं, हर बुजुर्ग के साथ एक जवान व्यक्ति उनके अटेंडेंट रूप के रूप में भी जा सकता है, तो हमारी उसी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब जो जो लोग अमृतसर वाघा वाले रूट पे जाएंगे उनको करतारपुर साहब के भी दर्शन सरकार कराएगी और फ्री में दर्शन कराएगी। और जो भी इसका अगर फीस कोई भी देनी होगी, चाहे फॉरेन कर डॉलर्स में या इंडियन करेंसी में, भारत सरकार को या पाकिस्तान सरकार को, वो फीस भी दिल्ली सरकार बियर करेगी। देखिए, हम सब लोग जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि इसकी रजिस्ट्रियाँ खुलने वाली हैं, लोगों को मालिकाना हक मिलने वाला है। और जैसा सब लोग जानते हैं कि 12 नवंबर 2015 को हम लोगों ने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र सरकार ने लगभग 5 साल ले लिए इसको हमारे प्रस्ताव को पास करने में, लेकिन इस दौरान हम भी लगे रहे। जैसे उन्होंने हमारे सीसीटीवी कैमरे रोके तो हमने भी संघर्ष करके सीसीटीवी कैमरे लगा लिए, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक रोके हमने मोहल्ला क्लिनिक भी करवा लिए। ऐसे ही 5 साल तक उन्होंने कच्ची कॉलोनियों का भी रेगुलराइजेशन रोका, वो भी हमने लड़ झगड़ के कराई लिया। तो दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू करें, केवल अनाउंसमेंट ना करें। मैं भी कच्ची कॉलोनी में मैंने पता कराया, लोगों को अभी भी ये भ्रम है कि देखो जी करेंगे नहीं, पहले भी कई बार अनाउंसमेंट हो चुका है।